दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर रामगढ़ के गोला से बड़ी खबर है। यहां रामगढ़ जिले के गोला थाना के दारोगा को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम दारोगा को अपने साथ ले गई है। मीडिया की खबरों को माने तो दारोगा केस डायरी हल्का करने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। झारखंड में तय मूल्य से अधिक में शराब बेचने पर होगी बड़ी कार्रवाई। झारखंड में अवैध शराब निर्माण बेचने व तय कीमत से अधिक मूल्य की वसूली करने पर रोक लगाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इन दिनों सक्रिय है। उत्पाद विभाग ने अनुरोध किया है कि सभी एसपी अपने अपने जिले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से थानावार उत्पाद छापेमारी दल गठित कर हाईवे के किनारे अवस्थित होटल ढाबों व अन्य अवैध बिक्री स्थलों पर अवैध शराब के व्यापार में लिप्त कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाएं। झारखंड में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। झारखंड में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण को रोकते हुए कांग्रेस नेताओं ने किसान आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। बता दें कि मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के किसान ने केंद्र सरकार के विरुद्ध दिल्ली चलो के आह्वान के तहत आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। किसानों के इस आंदोलन का कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अन्य कई मुद्दे हैं। झारखंड के 11 जेलों में अनुबंध के आधार पर होगी कक्षपालों की नियुक्ति। झारखंड के 11 जेलों जहां 11 जिलों के जेलों में संविदा के आधार पर कक्षपालों की नियुक्ति होगी, इसको लेकर जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। खबरों को माने तो जारी आदेश के अनुसार 150 भूतपूर्व सैनिकों को एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। झारखंड में 15 फरवरी को भी मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मीडिया की खबरों को माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर के कारण से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। खबरों की माने तो 14 और फरवरी को भी मेघ गर्जन के साथ और बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। ऐसा ही मौसम फरवरी जहां 17 फरवरी तक बना रहेगा। 13 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। आज पूरी होगी हेमंत सोरेन की रिमांड की अवधि। झारखंड में जमीन घोटाले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर हेमंत सोरेन से 12वें दिन भी पूछताछ जारी रही। आज यानी गुरुवार को 13वें दिन की रिमांड पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें रांची की अदालत में पेश किया जाएगा। संभावना है कि उन्हें गुरुवार को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने निकाली भर्ती, असिस्टेंट के 55 पदों पर मौका। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट रांची में असिस्टेंट के 55 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार झारखंड की इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हों, वे झारखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द होने वाला है। 10 मार्च के बाद किसी भी दिन तिथि का ऐलान हो सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जारी हुआ वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबरों को माने तो इस बार 1056 विज्ञापन निकाली गई हैं। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। बता दें कि इसी के साथ upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि IAS, IPS, IRS, IFS समेत विभिन्न सिविल सेवाओं में जाना चाह रहे हैं युवा 5 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का आयोजन 26 मई 2024 को होगा। 6 मार्च से 12 मार्च के बीच आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। खबरों की माने तो पीएम ने इस मंदिर में आरती की और मंदिर परिसर के बारे में जाना। मंदिर की भव्यता को देखकर पीएम मोदी काफी प्रसन्न नजर आए। खबरों की माने तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर है जिसे BAPS द्वारा निर्मित किया गया है। यह हिंदू मंदिर बेहद भव्य और विराट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश से बाहर एक बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना पीएम मोदी के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए पीएम मोदी मंगलवार दोपहर 2 दिन के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे थे। यहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गले मिले। CISF में नौकरी पाने का शानदार मौका। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि CISF भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए CISF ने कुल 836 पदों पर भर्ती कर रहा है। बता दें कि CISF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के 836 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। यह भर्ती सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएगी। इनमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या 649 है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 125 पद एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 62 पद शामिल हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगा पीएम किसान का पैसा। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को इनकम होती है। इसके तहत किसान हर 4 महीने में 3 किस्तें 2,000 रुपए सालाना 6,000 रुपए प्राप्त करते हैं। ये लाभ भी सिर्फ उन्हें किसानों को मिलता है जिनकी 2 हेक्टेयर जमीन है। अभी तक किसानों के लिए 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, अब 16वीं किस्त आनी बाकी है। बता दें कि इस बीच किसान सम्मान निधि से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खुशखबरी है कि इस माह के अंत तक किसान सम्मान निधि की किस्त पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में आने वाली है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के तहत पूरे वर्ष में किसानों के खाते में डाली जाने वाले कुल 6,000 रुपए कृषि कार्यों जैसे खाद, बीज व दवा आदि के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसानों को खाद, बीज आदि के लिए परेशान न होना पड़े। देश में कोरोना वायरस के एक दिन में मिले 120 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 120 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 846 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सुबह 8 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि के दौरान वायरस से दिल्ली में एक मौत का मामला सामने आया है। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी और उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 414,188 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 3,915 लोगों की मौत भी हुई थी।
देश भर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में कोरोना वायरस से करीब 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, साथ ही इससे 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हुई है।